तो ये चीज़ देख के मेरे को बड़ी खुशी मिली कि मेला एक तो इनको पैसे भी चाहिए पर मेहनत करके चाहिए, मतलब ऐसे नहीं चाहिए कि ना मैं ऐसे दे रहा हूँ स्ट्रेट वे, तो वो नहीं चाहिए। Awesome everyone, this is your bro ईशान पठानिया, hope you are doing good। So आज हमारे व्लॉगिंग का डे 37। कंटिन्यूसली तुम्हारा भाई व्लॉगिंग करी जा रहा है और तुम 100 सब्सक्राइबर नहीं करा रहे यार, करा दो यार 100 तो करा दो कम से कम, हाथ दो की। तो अब मैं हो गया हूँ रेडी क्योंकि आज अपने को जल्दी निकलना है। अभी हो रहे हैं 2 बज रहे हैं, मतलब शाम के और दोपहर के, सॉरी दोपहर और शाम में बड़ी कन्फ्यूजन होती है ज़िंदगी में, और क्या करना। तो दोपहर के 2 बज रहे हैं, अब चलता हूँ मैं सीधे नीचे, खाना खाता हूँ वो दिखाता हूँ आपको, और फिर मैं रास्ते में चलते हैं वहीं पे जहाँ पे वहाँ पे कोई बातचीत करते हैं अपनी, और सीधे चलेंगे काम पे और शाम हो जाएगी आज फ्री होते होते, क्योंकि यहाँ पे क्रिसमस टाइम है और क्रिसमस टाइम को काफ़ी भीड़ होती है हमारी हर जगह। जैसा कि मैंने कल अपने पिछले ब्लॉग में भी दिखाया कि जहाँ पे हम गए थे DFO, वहाँ भी काफ़ी अच्छी खासी भीड़ थी, तो हर जगह ही भीड़ बढ़ ज़्यादा है। तो आज मैं अपने अंदर का पोडियम दिखा देता हूँ थोड़ा थोड़ा आपको, अगर मैं अंदर से गया तो वो जानने के लिए जुड़े रहिए। हमारे घर के पास का जो छोटा मोटा जो शॉपिंग सेंटर है वो दिखाता हूँ। तो जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, घर से निकलने से पहले माथा टेकना ना भूलें, माथा जरूर टेकें, फिर आपका दिन अच्छा रहता है। तो भाई लोग जैसे नीचे आए हैं हमें अपने कारनामे दिखे हैं। ये अपना कल राजमा भी डाले थे मैंने, मतलब रोहित ने डाले थे, फिर मैंने बोला कि थोड़े हैं तो मैंने और डाल दिए, फिर उसने बनाए नहीं, और क्योंकि टमाटर नहीं थे और चावल भी ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सोचा था कि राजमा चावल बनाएंगे। तो कल तो टाइम लगा नहीं और आज फिर से टाइम नहीं लग रहा है, तो भिगोने डाले हुए हैं। इसका पानी तो मैंने दोबारा चेंज कर दिया वैसे, तो अब यही है आलस की वजह से। और पिज़्ज़ा पे पिज़्ज़ा खाई जा रहे हैं हम, रोज़ पिज़्ज़ा, इधर भी पिज़्ज़ा उधर भी पिज़्ज़ा, देखो डब्बे देखो पिज़्ज़ा के, देखो डब्बा पिज़्ज़े के, ये पिज़्ज़ा, ये भी पिज़्ज़ा, डब्बों में पिज़्ज़ा रखा, क्या करें यार पिज़्ज़ा ही पिज़्ज़ा, रोटी खाने का मौका नहीं मिल रहा। पर जल्द ही तुम्हारा भाई कल करता हूँ इसका कुछ, कल राजमा बनाना सिखाऊंगा अपने चैनल पे ऑफिशियली। और एक और सीन, जल्दी ठंडी हो जाए इसलिए कोक हमने उसमें रख दी थी फ्रीज़र में, तो उसमें ना रखें, ये फट जाता है कैन, तो ये पूरा साफ़ करना पड़ेगा, पूरा फ्रीज़र साफ़ करना पड़ेगा। तो गर्म कर लिया है माइक्रोवेव में, और ये है कुछ अपने पिज़्ज़ा का नज़ारा, ये देख सकते हैं आप। तो खाएँगे और चलेंगे सीधा काम पर, इतने में इतना ही मिलेगा। खाना पीना हो गया, चला फिर। एक किस्सा हुआ भी बड़ा मज़ेदार, वो दिखाता हूँ, मतलब वो सुनाता हूँ आप लोगों को रास्ते में। काफ़ी धूप आज भी, देख लो भाई प्रोग्रेस, खिड़कियाँ भी लगी, ये तो बन के तैयार हो जाएगा 15 दिन में, बढ़िया सिस्टम। तो भाई बोलने मतलब ये है कि जैसे ही मैं अपना खाना खाने बैठा, मतलब अपना पिज़्ज़ा खाने बैठा, तो अब पिज़्ज़ा को खाना नहीं ना बोल सकते, तो पिज़्ज़ा तो कमरे नॉक हुआ, अपना घर नॉक हुआ, और बाहर लड़के खड़े दो मोटे मोटे लड़के हुए हैं। मैं मतलब बच्चे, मैं क्या हो गया, तो बाल्टी लेके आ गए, मैं इनको क्या पता लग गया, इनको कैसे पता लग गया, मैं हमारे घर में बंदे दान दे ही नहीं है। तो न्यू कहने लगे भाई आपके घर में कोई गाड़ी गुड़ी है क्या, हम क्रिसमस के लिए मतलब फंड इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब पैसे पूसे इकट्ठे कर रहे हैं, गिफ्ट लेने होने बच्चों ने। तो फिर मैंने मेरे दिमाग में ठंड की यार, हमारे मतलब जैसे इंडिया में बच्चे होते हैं छोटे छोटे, अरे मम्मी पापा को तंग करा पॉकेट मनी के लिए, और मेरा एक ये बच्चे हैं, तो मैंने सोचा मैंने इनको पैसे मैं ऐसे दे देता हूँ। तो पैसे लेने में गया तो लग गए फिर ऐसे करने की, नहीं मतलब क्योंकि इनके में ये कल्चर नहीं है ना, तो कि ऐसे पैसे नहीं लेने, मतलब ऐसे शर्म समझते हैं। तो कहाँ बोलता मैं गाड़ी गुड़ी साफ़ करूँगा आपके घर की, अगर गाड़ी खड़ी है कोई तो, और मैंने अब तो अपने लड़के बाहर गए हैं तो गाड़ियाँ तो अपने घर पर है नहीं इस वक्त। तो फिर मैंने उनको भेज दिया, मैंने तू कल आ जाइए कोई दिक्कत नहीं है, बोले नहीं मतलब कल या परसों तो क्रिसमस ही है फिर, तो फिर वो नहीं चले गए। तो ये चीज़ देख के मेरे को बड़ी खुशी मिली कि मैंने एक तो इनको पैसे भी चाहिए पर मेहनत करके चाहिए, मतलब ऐसे नहीं चाहिए कि है ना मैं ऐसे दे रहा हूँ स्ट्रेट वे, तो वो नहीं चाहिए इनको। तो बड़ी अच्छी लगी मेरे को ये चीज़। और देखने वाली बात ये है यार, इतनी गर्मी है यहाँ पे, इतनी गर्मी में वो बाल्टी लेके निकले हैं अपनी मतलब गाड़ियाँ गुड़ियाँ साफ़ करने के लिए। तो डोलू बोलू शाउट आउट टू यू, दिल जीत लिया तुमने अपने पठानिया भाई का। अगली बार इन लड़कों को मैं कोई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके दूंगा, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, फिर उनको साफ़ करो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार अब ना मैं अपना पोडियम दिखा देता हूँ, जो भी मतलब हमारे घर के पास का शॉपिंग सेंटर है, तो हर विलेज के पास, हर सबर्ब के पास ना एक छोटा सा ऐसे पोडियम होता है या अपना शॉपिंग सेंटर होता है, जहाँ पे आपको बेसिक अमेनिटीज़ और सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। तो वो दिखा देता हूँ। तो ये है भाई हमारे यहाँ का, ये तुम्हारे भाई का चोर रास्ता, जहाँ से मैं आ जाता हूँ अपने पीछे वूलवर्स, और आज मैं सामने से जा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को दिखाना है कि कैसा दिखता है अपना पोडियम यहाँ का। और जो भी अपनी अंदर फैसिलिटीज़ हैं वो मोस्टली यहाँ पर मैंशन करी हुई हैं इन लोगों ने, तो ये आप देख सकते हैं। वूलवर्स है, BWS है, द रिजेक्ट शॉप, एनी टाइम फिटनेस और मेडिकल सेंटर, अब तो बड़ा कुछ खुल गया है और भी खुलेगा। तो एक रास्ता पार्किंग को ये है, इधर से जाएंगे यहाँ से आती हैं गाड़ियाँ। फाइनली छत तो आई सर के ऊपर, थोड़ा सा शेल्टर तो मिला भाई। आजकल थोड़ी सी छाँव मिल जाए ना, सुकून मिल जाता है शरीर को। तो ये है भाई यहाँ का अपना हाउस लैंड एंड सेल्स ऑफिस। जो भी आपको ओरन पार्क में कोई इंक्वायरी वगैरह करनी है तो वो यहाँ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ग्रिड कैफ़े है, वो दिखा देता हूँ। ये है, इसका मेरे को पता नहीं क्या सीन है, मोस्टली बंद ही रहता है, पता नहीं किसी सेल्स वूल नहीं होती है इसलिए बंद रहता है, आई डोंट नो। ये देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है ये भी। और ये वूलवर्स की प्राइवेट अपनी पार्किंग है, तो यहाँ पे वूलवर्स की गाड़ियाँ लगती हैं सारी। मतलब जो भी अंदर शॉपिंग करने आते हैं या डायरेक्ट टू बूट सीधे सामान उठाना होता है, जिन्होंने खरीदा ऑनलाइन या पिकअप पे उठाया होता है, वही होता है मोस्टली। तो ये है भाई अपना सामने से कुछ पोडियम। और काफ़ी अच्छी भीड़ है यहाँ पे भी, मारामारी चल रही है आजकल, क्योंकि यहाँ पे क्रिसमस वैसे मनाया जाता है जैसे हमारे यहाँ पे दिवाली मनाई जाती है ना। तो ये कुछ अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो दिखाई गई हैं। और ये दूसरी पार्किंग है सामने, तो ये दोनों रास्ते एक ही जगह जाते हैं। और ये पोडियम के बाहर ही हमको बस मिल जाती है रोज ही, तो यहाँ पर कहीं भी जाना, ये कनेक्टिविटी है इंटर सबर्ब। तो बसेस पे ऐसे नंबर होते हैं ये, जहाँ भी जा रही हैं, तो वह देख सकते हैं आप। यहाँ से अपना पोडियम शुरू हो जाएगा, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। और यहाँ पे पहली शॉप इनकी ये है, पिज़्ज़ा की है, इटालियन पिज़्ज़ा क्रिया। तो ये है भाई कुछ एंट्रेंस और पोडियम, तो ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे काफ़ी अच्छा इन्होंने ट्री लगा रखा है। वैसे मैं पीछे वाले रास्ते जाता हूँ मोस्टली। और ये जितनी भी शॉप्स हैं यहाँ पर, वो देख सकते हैं आप। काफ़ी अच्छा यहाँ पर क्रिसमस का माहौल। सो ये नीचे पार्किंग से अपने वो लगे एक्सीलेटर, तो यहाँ से आ सकते हैं आप सीधे। काफ़ी अच्छा और सुहाना पेड़, रात को इसकी लाइटें अच्छी लगती हैं। और ये जितने भी अपने सेंटर में जो खाने पीने के लिए बना होता है सिस्टम, वो। और ये अपना प्यारा वूलवर्थ, इसका ब्लॉग मैं किसी और दिन दे दूंगा आपको अंदर से ही पूरा। तो ये पहुंच गए भैया हम अपने ब्रेक रूम में, अपना बैग रखेंगे यहाँ पे। तो जिसने मेरा वो कलीग्स और अपना द ब्रेक रूम वाला जो ब्लॉग है वो नहीं देखा, तो वो जाके चेक कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। तो उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे ब्रेक रूम कैसे दिखते हैं। तो पहुँच चुके हैं। और द थिंग इज़ वूलवर्थ का मैं जो ब्लॉग है ना, वो प्रॉपर बना दूंगा कि अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कितने सेक्शन हैं और कितनी आइल्स होती हैं, जो भी है, और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वूलवर्थ में। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़। और ज़्यादा बातें ना करते हुए मिलता हूँ आप लोगों को सीधा शाम को, तो जुड़े रहिए। तो यार रात के बज रहे हैं 8:30। तो हमारा भाई जल्दी फ्री हो गया, आज थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी। और मैंने ठीक है कल देख लेंगे, कल संडे है और संडे को ठीक ठाक पैसे बन जाते हैं, तो कल देखेंगे फिर। और अब चलता हूँ बाहर, और जाते जाते अपना क्रिसमस की लाइट्स दिखाता हूँ। उस ट्री की जो कि मैंने आते वक्त दिखाया था ट्री, तो उसमें अच्छी लाइट्स लगी हैं, वो दिखाता हूँ एक बार। तो जैसा कि मैंने दिखा रखा किया, उसके लिए मैं मोस्टली 6 बजे के बाद सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। तो यहाँ भी सब कुछ बंद हो चुका है। और पर ये क्रिसमस ट्री देख लो एक बार जाते जाते, सो दैट्स अ थिंग। और शॉप्स तो सारी क्लोज हो ही चुकी हैं। टोरंट किंग काफ़ी मशहूर दुकान है यहाँ की, काफ़ी सही है इसका सीन भी, तो ये देख सकते हैं आप। और ये कुछ अच्छी सजावट हर जगह देखने को मिलेगी आपको आजकल। सो दैट्स द थिंग। यहाँ पे लोग जो हैं वो फ़ोटो वाटो खिंचाते हैं दिन में। और परसों काफ़ी भीड़ होगी यहाँ पे, तो वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, जुड़े रहिए। यहाँ पे बैठेगा सेंटा क्लॉज अपना। तो काफ़ी इन्होंने अच्छे तरीके से डेकोरेट कर रखा है ये पूरा पोडियम आज इन दिनों। सो क्रिसमस की ज़ोरों शोरों की तैयारियाँ। कितनी प्यारी लग रही हैं यार लाइटें, वाओ। तो चलते हैं हम सीधे घर। तो ये है इन स्ट्रीट्स का कुछ रात का नज़ारा। और ये पार्किंग भी बंद हो जाएगी थोड़ी देर में ही, मतलब शटर डाउन हो जाता है इसका। तो फिर आपको बाहर लगानी पड़ेगी गाड़ियाँ, क्योंकि पोडियम में बंद हो जाता है, तो उस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो जैसा कि मैंने दिखाया था, तो हमारे स्टाफ की गाड़ियाँ यहीं लगती हैं रात को। और बैक डोर एंट्रेंस है, तो आगे वाला तो पोडियम बंद हो जाता है, लॉक हो जाता है पूरा। तो यहाँ से फिर बैक डोर से ही एंट्री करके, मतलब निकाल के बाहर निकल के गाड़ी में बैठ जाते हैं लोग, अपने घर चले जाते हैं। और तो ये थोड़ी देर दिखेंगी आपको गाड़ियाँ यहाँ 11 बजे तक बस, उसके बाद वो भी छुट्टी हो जाएगी। तो यार बोलने का मतलब वही है कि ऑस्ट्रेलिया में ना मोस्टली, मतलब रात को 6 बजे के बाद, मतलब रात को क्या इवनिंग को ही 6 बजे के बाद मोस्टली सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, एक्सेप्ट ऑफ सिटीज़। मतलब जो भी मेजर सिटीज़ हैं, जैसे सिडनी हो गया, मेलबर्न हो गया, पर्थ का मेरे को पता नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है, पर ब्रिस्बेन हो गया, इनकी थोड़ी सी नाइट लाइफ है भी है। बाकी ये जितने भी सबर्ब आप सिटी से दूर होते जाएंगे जैसे जैसे, वो उनका मॉल डेड हो जाता है रात को। वो वहाँ पे आपको कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं मिलेंगी करने के लिए। तो उसके लिए मैंने हर अपने व्लॉग में मेंशन किया हुआ है क्या क्या एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। जैसे अगर कोई चीज़ें लेनी है आपको, बेसिक अमेनिटीज़ लेनी है, तो ऐसे कुछ शॉप्स होती हैं अपनी, मतलब पेट्रोल पम्प्स पे, 7-Eleven हो गया, कोल्स हो गया, या कोई भी अपने जितने भी पेट्रोल पम्प हैं, तो वहाँ पे जो शॉप्स होती हैं वहीं पर आपको वो चीज़ें मिलती हैं जो भी आपको लेनी है खाने पीने की। तो वो ज़्यादा रेट की मिलती हैं और डबल रेट की मिलती हैं। सो दैट्स अ थिंग। और बाकी ये था अपने मेरे जो जहाँ पे मैं रहता हूँ, जिस शहर में मैं रहता हूँ, उसका पोडियम, ओरन पार्क पोडियम। तो दैट्स द थिंग। और वो आपको दिखाना था तो वो दिखा दिया आज। और बिल्कुल अगर डिटेल में देखना है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, तो मैं बिल्कुल अच्छे डिटेल से दिखा दूंगा कि क्या क्या शॉप्स यहाँ पे हैं। वैसे मोस्टली अभी ओपन नहीं हुआ है, तो जब ओपन हो जाएगा तो मैं उसके बाद दिखा दूंगा वो चीज़ भी। तो अब जाता हूँ सीधा घर और अपना डिनर प्रिपेयर करता हूँ। वो जो राजमा मैंने भिगो के रखे हुए थे तो वो देखता हूँ अगर मैं वो कर पाया, क्योंकि थोड़ी तबीयत भी ऐसी है, डाउन सी है। नहीं तो लड़के तो खाना ले ही आते हैं रेस्टोरेंट से, बट फिर रेस्टोरेंट की बाहर की रोटियों का वही होता है, आपको पता ही है। तो मेरा मन था कि बड़े दिन से मैंने घर से खाना, घर का खाना नहीं खाया, पिज़्ज़ा बर्गर और यही खाई जा रहे हैं हम तीन दिनों से। तो वो मेरा मन था कि मैं खाऊं, बट चलो कोई बात नहीं, अगर नींद भी ठीक होगी तो क्या कर सकते हैं, अब मन क्या किया तो आपको पता ही है। तो सीधे चलता हूँ घर और डिनर करता हूँ, तो वो दिखा दूंगा आपको। और बाकी जानकारी के लिए जुड़े रहिए अगली एक्टिविटी के लिए। वैसे इस टाइम मैं काम कुम से कभी जल्दी फ्री होता नहीं हूँ, बट आज हो गया हूँ। तो इस टाइम मैं वॉक कर रहा हूँ ना, तो मतलब मैंने बोला भी था, मोस्टली मैं बोलता ही हूँ कि इवनिंग को यहाँ पे वॉक वॉक जो करना है वो अच्छी हैबिट है और स्वास्थ्य के लिए ठीक है आपके, और अच्छा फील होता है, ठंडी ठंडी हवा भी चलती है। और दिन को तो काफ़ी प्रकोप है भाई गर्मी का, यहाँ पे फिर से शुरू हो गया वो गर्मी। तो फाइनली इतनी मेहनत के बाद, इतनी क्या कुछ भी, कोई मेहनत नहीं है, पर फिर भी कमरे में पहुँच चुके हैं। अब रेस्ट करूँगा, सोऊँगा थोड़ी देर, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो यार रात के बज रहे हैं अपने 1:30 और काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन भी। एंड इफ यू लाइक दिस ब्लॉग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।